नमस्कार बच्चों, नमो नमः। बच्चों, अभी तक आप संस्कृत में संस्कृत वर्ण क्या होते हैं, संस्कृत के शब्दों के बारे में और लिंग वचन के बारे में जानकारी ले चुके हैं। संस्कृत में लिंग तीन होते हैं, अकारांत पुंलिंग, आकारांत स्त्रीलिंग, अकारांत नपुंसकलिंग, है ना बच्चों? और पुंलिंग के साथ साथ वचन भी तीन होते हैं, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम, है ना बच्चों? अकारांत पुंलिंग शब्दों को किस प्रकार पहचानना चाहिए? शब्द के अंत में अहा विसर्ग एक वचन, द्विवचन में औ की मात्रा, शब्द के अंत में औ की मात्रा आता है, है ना बच्चों? बहुवचन में आहा, अश्वहा, अश्वौ, अश्वाहा। स्त्रीलिंग शब्दों को किस प्रकार पहचानना है? शब्द के अंत में आ स्वर आएगा, लता, है ना बच्चों? द्विवचन में लते, बहुवचन में लताहा। नपुंसकलिंग शब्दों को किस प्रकार पहचानना है? नपुंसकलिंग शब्द के अंत में मां के नीचे हलंत आएगा, फलम, द्विवचन में फले, बहुवचन में फलानी, है ना बच्चों? ये सारे आप पिछले वीडियोस में देखते आ रहे हैं। आज हम आप शब्द सीख चुके हैं, वाक्य बनने के लिए क्या होना चाहिए? क्रिया होना चाहिए। तो चलो बच्चों, आज हम क्रिया को संस्कृत में क्या कहते हैं देखते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पे आपका पांचवा पाठ, पाठ पांच, धातु परिचय, क्रिया। संस्कृत में क्रिया को धातु कहते हैं। क्रिया मतलब जो काम, काम को क्रिया कहते हैं हिंदी में। संस्कृत में क्रिया को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। उसका परिचय मैं अब आपको देने वाली हूँ। तो चलो बच्चों, क्रिया धातु शब्द क्या होते हैं हम इस वीडियो के द्वारा देखते हैं। देखिए बच्चों, पहले क्रिया क्या होता है? किसी भी कार्य के करने या होने को क्रिया कहा जाता है। कोई काम, कार्य मतलब यहाँ पे काम करने या होने को, हो रहा है, हो गया, ओके, उसको कहते हैं क्रिया। समझ में आया बच्चों? अब देखिए, पढ़ना, लिखना, खेलना, हंसना आदि, इससे ही आप पढ़ रहा है, पढ़ रही है, पढ़ता था, पढ़ती थी, ओके? इसका एक्चुअली फर्स्ट मूल धातु है उसका पढ़ना। पढ़ना से ही आपको ये सारे काल में आप लिखते हैं हिंदी में, है ना बच्चों? इसी प्रकार संस्कृत में इन क्रियाओं को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। समझ में आया बच्चों? संस्कृत में क्रियाओं को धातु कहते हैं। अब देखिए बच्चों, पढ़ना को संस्कृत में क्या कहते हैं? पठ। पठ एक मूल धातु है, पठ से ही उसका काल में किस प्रकार लिखना है आप बाद में सीखते हैं। पढ़ना का अर्थ है पठ। पहले आप धातु शब्द क्या होते हैं सीखिए। लिखना, लिख। खेलना, क्रीड। हंसना, हंस। ओके बच्चों, धातु को चिन्ह से लक्षित किया जाता है। समझ में आया बच्चों? तो चलो फिर से एक बार मैं आपको समझा रही हूं। किसी भी कार्य के करने
या होने को क्रिया कहा जाता है। पढ़ना, लिखना, खेलना, हंसना आदि। संस्कृत में इन क्रियाओं को धातु कहते हैं। अब पढ़ना का धातु संस्कृत में पठ, लिखना का लिख, खेलना का क्रीड, हंसना का हस। बच्चों, धातु को चिन्ह के रूप में आप स्क्वायर रूट लिखते हैं ना, इस प्रकार लिखा जाता है। स्क्वायर रूट कैसा रहेगा वैसा आप स्क्वायर टू कैसा डालते हैं, आपको स्क्वायर में रहेगा उसका चिन्ह। अंडरस्टूड बच्चों? राइट, यहाँ पे देखिए बच्चों, आप थोड़े धातुएं चित्रों के सहायता से पठ, पढ़ना, देखो यहाँ पे पढ़ना, हस, हसना, खाद, खाना, धाव, दौड़ना। फिर से देखिए बच्चों, पठ, पढ़ना, हस, हसना, खाद, खाना, धाव, दौड़ना, वद, मतलब इसका अर्थ है बोलना, दृश्पश्य, दृश्पश्य, देखना, नृत्य, 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 नाचना, रक्ष, रक्षा करना। गम गच्छ, गम गच्छ, जाना, क्रीड, खेलना, लिख, लिखना, पत, गिरना, नम, नमस्कार करना, दा, यच्छ, देना, पापिब, पीना, कूज, कूजना, tripping, to trip। समझ में आया बच्चों? तो चलो बच्चों, आज आप इस वीडियो के द्वारा क्या सीख चुके हैं, क्रिया शब्द क्या होते हैं, जो काम, कार्य, होने या होने को जो शब्द कहते हैं उसको क्रिया कहते हैं। संस्कृत में इन क्रियाओं को ही क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। धातु का चिन्ह किस प्रकार होता है, रूट। आप मैथमेटिक्स में लिखते हैं ना, रूट, रूट से किया जाता है। समझ में आया बच्चों? संस्कृत में पढ़ना पठ, लिखना लिख, धाव दौड़ना धाव, हंसना हस, पीना पिब, पा पिब, देना दा यच। अब क्रिया सीख लिए समझो बच्चों, उसका प्रयोग किस प्रकार करना है अगले कक्षा में हम देखते हैं। तो चलो बच्चों, अब आप धातुओं का अभ्यास कीजिए, है ना बच्चों, अभ्यास करना चाहिए ना, तो अभ्यास कीजिए। आप अपने टेक्स्ट बुक में जो भी धातुएं, संस्कृत के धातुएं हैं, सब कुछ स्मरण कीजिए, ठीक है ना बच्चों? धन्यवाद बच्चों।